एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन याद है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का कॉन्स्टेंट होता था। लेकिन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले क्या सीखना पड़ता है, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, पी, पी का फॉर्मूला क्या होता था, एम इंटू वी। तो जो काम लीनियर मोमेंटम करता था लीनियर मोशन में, वो काम एंगुलर मोमेंटम करेगा एंगुलर मोशन में, यानी कि रोटेशन मोशन में। तो सिंबल एंगुलर मोमेंटम का क्या है, एल। तो पी की जगह यहां पर क्या यूज करेंगे, एल। मास की जगह यूज करेंगे यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी की जगह क्या यूज करेंगे, ओमेगा। तो एल का एक फॉर्मूला, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एक मिनट में तैयार हो गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है, लीनियर मोमेंटम से सीखते हैं। लीनियर मोमेंटम है अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन पोजेस बाय अ बॉडी, और लीनियर मोशन इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। भी मास बड़ा होगा या वेलोसिटी बड़ी होगी तो मोमेंटम बड़ा होगा। एंगुलर मोमेंटम भी अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन पोजेस बाय अ बॉडी, और एंगुलर मोशन का मतलब या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा या ओमेगा बड़ा होगा। क्लियर यहां तक? तो एक तो ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम निकालने का, एक और फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है एल वेक्टर इज आर क्रॉस पी। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी रोटेट कर रही है क्योंकि आपने क्या अप्लाई की उसके ऊपर, फोर्स। अब फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, डी पी बाय डी टी। क्लियर? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है। तो मैंने यहां पर लीनियर मोमेंटम क्या अप्लाई किया, पी, और एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहां से पॉइंट का, आर, और एंगल आर और पी में कितना है, फाइ। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर क्रॉस पी। ये फॉर्मूला दिखा नहीं लगता ऐसा सेम सेम। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। तो बस कुछ नहीं किया, एंगुलर मोमेंटम सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जहां जहां पी है वहां वहां, जहां जहां एफ है वहां वहां पी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आसान हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला था आर एफ साइन फाई, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आर पी साइन फाई। पहला रूल क्लियर। दूसरा, निकालने का तरीका सेम। टॉर्क निकालने का एक शॉर्टकट किया था अगर आपको याद हो, क्या, कि अगर मान लो ये फोर्स है, मान लो टॉर्क के अंदर ये फोर्स हुआ करती थी, तो हम क्या करते थे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया करते थे एक्सिस जो कि डी, और शॉर्टकट लगाते थे टॉर्क निकालने का एफ इंटू डी। इसमें F की जगह रिप्लेस कर दो P, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा, P into D। ये भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस एग्जांपल पे आओ। एग्जांपल सबसे बेस्ट है, हमने टॉर्क में भी किया था, एक पार्टिकल पे यहां फोर्स लग रही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहां से H, तो O पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। तो लीनियर मोमेंटम क्या है यहां पर, P, P, तो लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, या फोर्स को अगर एच से मल्टीप्लाई करते तो टॉर्क आता था, इसके अंदर पी को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी इसमें, एम वी इंटू एच। मैंने बताया टॉर्क की तरह एंगुलर मोमेंटम में एफ की जगह पी यूज करना है, ठीक हो गया। मेथड वही है कि अगर मान लो ये पी गिवन है, मास इनटू वेलोसिटी, और मुझे एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है यहां पे, तो क्या करते थे, पी यानी कि एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, आंसर। मैं सेम क्वेश्चन अगर टॉर्क में पूछूं, कि अगर मैं पूछूं कि ये एफ है और यहां पर टॉर्क निकाल लो, तो आप क्या करते हो, एफ इंटू एच नहीं करते, तो एफ की जगह पी कर दो, बस पी इंटू एच कर दो, ठीक है यहां तक? तो मतलब नई चीज नहीं है, जब आप टॉर्क पढ़ेंगे तो ये शीट उसी की कॉपी कर रखी है, टॉर्क वाली शीट की, बस एफ की जगह पी रिप्लेस कर रखा है। तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा न्यूमेरिकल पे आओ। क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वी वेलोसिटी, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आई तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस प्रोजेक्टाइल का, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे अबाउट ओरिजिन, तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट ओरिजिन। क्लियर है यहां तक? एक,
क्या करेंगे इसमें, पहले लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होगा इसका, मास इनटू टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, वी कॉस थीटा, एम वी कॉस थीटा। क्या पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम एम वी कॉस थीटा, और हमने ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो काम एक्सटेंड कर लो। तो ये है लीनियर मोमेंटम और ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एग्जैक्टली क्या होगा, एच एम। तो एंगुलर मोमेंटम टॉप मोस्ट पॉइंट का क्या बनेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट का लीनियर मोमेंटम पी और इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में क्या था, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसी प्रॉब्लम आती है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम।